असलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। आज हम बनाएंगे अंजीर की चटनी। आज हम बनाएंगे अंजीर की चटनी। उसके लिए मैंने अंजीर लेके हाफ करके इनको साफ करके अदा कर लिया, और अब हम एक गिलास पानी डाल के इसका ग्राइंड कर लेंगे। ये इस तरह से पेस्ट बन गया, और अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ये पक के पान रखते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। करीबन आधा किलो जीरा होगी, ये रखें 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसमें बबल करने के लिए। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, उसको 15 मिनट के लिए पकाने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसे तकरीबन आधा घंटा हो गया, तो अब ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो रही है, लेकिन अभी पतली गाढ़ी नहीं हुई है। इसको हम 15-20 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। ये देखें, ये अब थिक हो गई है गाढ़ी, इतनी इसकी क्वांटिटी जो है वो सही है, इसकी थिकनेस इतनी अच्छी है। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है, तो फिर हम पे आधा पौना घंटा रख के, और इसको अब हम किसी जार में डाल देंगे शीशे के। आप ये इसको महफूज करके रख सकते हैं तकरीबन 1 महीना आराम से। ये देखें, आप इस तरह से शीशे या प्लास्टिक के जार में महफूज कर सकते हैं। शीशे के में करें तो ज़्यादा बेहतर है हमारी मज़ेदार सी मछली की चटनी।